नमस्कार, ईशु की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 2 लीटर गाय का दूध लिया है। आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सूती चुन्नी ली है और एक कटोरी दही ली है और छलनी ली है। अब हम गैस को चला लेते हैं और इस पर अपना दूध रख देते हैं। दूध को उबालते समय हमें चम्मच से हिलाते रहना है, नहीं तो हमारा दूध तले में लग जाएगा। हमारा दूध उबल चुका है और इसको इस तरह से नीचे से हिलाते रहेंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे करके दही डालेंगे। एक साथ हमें दही नहीं डालनी, ऐसे हिलाते जाएंगे और धीरे धीरे करके इसमें दही डालते रहेंगे जब तक कि हमारा दूध अच्छी तरह से नहीं फट जाए। और हमने अब सारी दही डाल दी है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और गैस को फुल आंच पर रखेंगे। हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है और अब हम गैस को बंद कर लेंगे। पनीर बन चुका है। अब हम एक छलनी पर सूती कपड़ा बिछाकर इस तरह से रखेंगे और इसमें धीरे धीरे हाथों से ऐसे डालते जाएंगे। जल्दी हमें नहीं डालना, नहीं तो हमारे हाथों पर छींटे लग सकते हैं। इस तरह से हम अपना पूरा पनीर डाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा पानी चला लेंगे इस तरह से। और इसको कोनों से पकड़कर इस तरह से निचोड़ लेंगे हाथों से, इस तरह से घुमा देंगे और इस पर हम गांठ लगा लेंगे इस तरह से बांध देंगे इसको। और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे अब ऐसे उंगलियों से। अब एक थाली लेकर उस पर छलनी इस तरह से रखेंगे और पनीर को इस तरह से रख देंगे और उंगलियों से ऐसे दबाएंगे इसको। और इस पर कोई भी भारी वस्तु रख देंगे इस तरह से। और इसको 15 से 20 मिनट तक इस तरह ही रहने देंगे ताकि अब हमारा पनीर बन चुका है। और इसके इसको खोलकर देख लेते हैं। ये हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। और इस तरह से इसको काट लेंगे टुकड़ों में और हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। स्पंजी, बहुत ही स्पंजी पनीर बना है ऐसे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।